हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फोन कनेक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि पाइप कनेक्शन से आप मोबाइल को बूट करा सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फोन कनेक्शन के बारे में यूएसबी डाटा केबल के जरिए से आप मोबाइल को बूट करा सकते हैं अपने कंप्यूटर से, ठीक है, अपने सिस्टम से, मिरेकल बॉक्स या किसी अदर बॉक्स से, जो भी बॉक्स आपके पास हो, चाहे वेलकोनो हो, चाहे वो एविटर बॉक्स हो, चाहे स्पाइडरमैन हो, चाहे आपके पास मिरेकल बॉक्स हो, चाहे जो भी आपका चाइनीज बॉक्स है, उस बॉक्स से आप अपने मोबाइल को बूट करा सकते हैं यूएसबी डाटा केबल के जरिए से। तो डाटा केबल से आप जरिए से आप कैसे बूट कराएंगे, मान के चलिए कि मोबाइल का जो बोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये मोबाइल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में आप मान के चलिए इसका चार्जिंग कनेक्टर जो है ये टूट चुका है और इसका प्रिंट भी नहीं है, और इसमें आपको मतलब इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस पिन को आप दोबारा इसमें बिठा सके, सोल्डिंग कर सके। उस हालत में आपको इस मोबाइल को अनलॉक करना है या फ्लैशिंग करना है, तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें अगर मान के चलिए कि इसमें वाइब्रेट का कनेक्शन नहीं है और इसमें VCG का कनेक्शन नहीं है, बूट का कनेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ ओनली DPDM का कनेक्शन है, तो इस DPDM कनेक्शन में जो है आप अपने जो है डाटा केबल को कटिंग कर करके, जैसे मान के चलिए आपको दिखाता हूं मैं कि ये डाटा केबल है, ठीक है, इसको आपको जो है यहां से काट देना, ठीक है, इधर आगे से आपको काट देना, जिस तरह से मोबाइल में लगता है जिस तरफ से, उस तरफ से आपको इधर से काट देना। इसमें चार कनेक्शन निकलेगा, ठीक है, तो ये जो चार वायर जो इसमें निकलेगा, तो एक नंबर पे जो इसका वायर होगा तो वो होगा रेड कलर का, ठीक है, तो रेड कलर का जो वायर होगा इसमें, तो वो आपको जो चार्जिंग का जो प्लस पॉइंट है उसमें आपको सोल्डिंग कर देना है मोबाइल के बोर्ड पर, ठीक है, तो चार्जिंग का जो प्लस पॉइंट होता है इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे आपको सोल्डिंग कर देना है, क्योंकि इस बोर्ड में सिर्फ DPDM लिखा हुआ है, बाकी और कोई कनेक्शन है नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फोर कनेक्शन के जरिए से आप अपने मोबाइल को बूट कर सकते हैं। तो इसमें से जो एक नंबर का जो वायर निकलेगा रेड कलर का जो होगा, उसको आपको चार्जिंग के जो प्लस पॉइंट पे जोड़ना है, इसमें सोल्डिंग करना है, ठीक है, उसके बाद इसमें एक ग्रीन कलर का वायर निकलेगा और एक जो है व्हाइट कलर का वायर निकलेगा, ठीक है, तो ग्रीन और व्हाइट जो होता है यह डाटा प्लस डाटा माइनस होता है, ठीक है, तो डाटा प्लस डाटा माइनस जो होता है, तो आपको जो है डी प्लस डी माइनस में आपको ग्रीन कलर का व्हाइट कलर का वायर आपको इसमें सोल्डिंग करना है, ठीक है, और उसके बाद ब्लैक कलर का जो लास्ट में चार नंबर पे जो वायर बचेगा, उस वायर को आपको जो बोर्ड के किसी भी जगह जहाँ भी ग्राउंड होगा उस ग्राउंड में आपको सोल्डिंग कर देना है, ठीक है, तो जैसे आप इसको सोल्डिंग कर देंगे उसके बाद आप अपने जो है सिस्टम से आप इस डाटा केबल को कनेक्ट करके अपने मोबाइल को आप बूट करा सकते हैं, ठीक है, और बाकी आपको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूँगा तो आप इतना जान लीजिए कि उस वीडियो में सच्चाई होगी और वो वीडियो गलत नहीं होगी, फेक वीडियो बिल्कुल नहीं होगी, और वो वीडियो बिल्कुल ऐसी वीडियो होगी जो कि YouTube पर मौजूद ना हो, ठीक है, उस तरह की वीडियो होगी, नई जानकारी होगी, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारा जो चैनल में जो है अब तक 2000 सब्सक्राइबर हो चुका है, और आगे देखिए क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, और आप हमारे और अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, खासतौर पे इस डायग्राम को मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इस डायग्राम को आप देख करके बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक नंबर पिन जो है रेड कलर का वायर होगा, जब आप डाटा केबल को कटिंग करेंगे तो एक नंबर का जो पिन होगा वायर होगा वो रेड कलर का वायर होगा और वो 5 वोल्ट वायर होगा, ठीक है, उस वायर में जो 5 वोल्ट आता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पिन पर व्हाइट कलर का जो वायर होगा तो वो डी माइनस में आपको जो है सोल्डिंग करना है मोबाइल के बोर्ड पर, और एक नंबर पिन जो रेड कलर का वायर है इसे आपको चार्जिंग कनेक्टर के 5 वोल्ट पर आपको सोल्डिंग करना है, और दो नंबर वाइट वायर को आपको व्हाइट कलर का जो वायर होगा उसको आपको डी माइनस पर आपको सोल्डिंग करना है, ठीक है, तीन नंबर पिन का जो वायर है वो ग्रीन कलर का होगा और ये ग्रीन कलर के वायर को जो है आप डी प्लस मोबाइल के बोर्ड पर डी प्लस पर आपको सोल्डिंग करना है, और चार नंबर पिन जो होगा चार नंबर पिन का जो ब्लैक कलर का जो वायर होगा उसे आपको जो है मोबाइल के बोर्ड पर ग्राउंड पर आपको सोल्डिंग करना है, ठीक है, तो ये चारों कनेक्शन जब आप कर देंगे उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में उस डाटा केबल को आपको लगाना है, कनेक्ट करना है, उसके बाद उसमें बैटरी लगाना है, आपका मोबाइल बूट करेगा, अगर स्पीड ड्रम CPU होगा तो उसका जो माइनस प्लस वॉल्यूम होगा दोनों को आपको एक साथ दबा के रखना है, उसके बाद बैटरी लगाना है, आपका मोबाइल बूट करेगा। MTK CPU अगर आपका बैटरी लगाने पर बूट ना करे तो आप बैटरी लगा करके उसका पावर बटन दबाएंगे तो आपका मोबाइल जो है बूट करेगा। और दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियो में आपको 5 कनेक्शन के बारे में बताया था उसमें अगर आपका मोबाइल बूट ना करे तो बाकी सब कनेक्शन सेम रहेगा, और D+ D- को आप अलर्ट पलट करके देख सकते हैं,
और आपका मोबाइल 100% जो है बूट करेगा, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी देख सके और सीख सके और वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।